सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है ना, वो बेस वेरिएंट रहता है। टायर टू सिटीज़ में ना ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है। ये आराम से 18-20 का माइलेज दे देता है, ये डीजल इंजन मिल रहा है। फेस लिफ्ट के नाम पे भी ना हुंडई ने बहुत अच्छा अपग्रेड किया है, और ज़्यादा है तो मॉडिफाई करवा के बढ़िया SX लगा लेना, टॉप वेरियंट बन जाएगा। ये ई वेरियंट है, लेकिन आपको इसमें टिल्ट बेस वेरियंट मिलता है, टेलीस्कोपिक भी बेस वेरिएंट में मिल रहा है। भले ही भाई आपको म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, खाली जगह दे दी गई है, आप ये देखिए आप इसको दो पार्ट में कर दिया गया है। ऐसा नहीं लगेगा कि बेस वेरिएंट है तो सिल्वर भी नहीं दिया, कुछ भी ऐसा ही रॉ प्लास्टिक दे दिया, तो ऐसा नहीं है। एक सेंटर में लाइट दी गई है, भैया इसी से काम चला लो चारों पैसेंजर्स। रेयर में आपको बेस वेरिएंट में भी AC वेंट्स मिलेंगे, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 60-40 स्प्लिट वाली सीट आपको यहाँ पे मिलेगी। बेस वेरिएंट हुंडई क्रेटा का ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको निराशा नहीं होगी। तो भाई हुंडई क्रेटा लॉन्च हो गई है और उसका फेसलिफ्ट आप देख सकते हो। भाई मेरे पास तो सारे वेरिएंट्स हैं और आपको सारे वेरिएंट्स में दिखाने वाला हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है ना वो बेस वेरिएंट रहता है। भाई कुछ ऐसे बायर्स होते हैं ना जो सबसे पहले देखते हैं भाई हमको गाड़ी मिल जाए, नई देखने को मिल जाए, उसके बाद तो हम इसमें सब कुछ ऑलरेडी आफ्टर मार्केट लगा लेंगे। तो इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ ई वेरिएंट, जो कि हुंडई क्रेटा का बेस वेरिएंट होता है। और सबसे पहले चाबी से ही शुरू करेंगे तो भाई इस तरह की चाबी आपको फ्लिप वाली मिलती है, डिज़ाइन कोई चेंज नहीं हुई है, वही सेम डिज़ाइन है। टॉप वेरिएंट्स में थोड़ा सा इस तरह का प्रीमियम लुक हो जाता है और ये पुश बटन स्टार्ट रहती है तो फ्लिप वाला ऑप्शन हट जाता है। तो इस तरह का चाबी में वैसे आपको कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस सेंसर वाली हो जाती है और ये नॉर्मल घुमाने वाली चाबी हो जाती है। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं ई वेरिएंट। तो भाई हमारा जो वीडियो है वो ऑलरेडी टॉप वेरिएंट का मैं बना चुका हूँ, और अगर आप उसको पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस में और टॉप में देखने में क्या कुछ चेंजेस है। वैसे मैं आपको बेस वेरिएंट में बता देता हूँ कि भैया क्योंकि बोनट चेंज किया गया है, इसकी डिज़ाइनिंग अभी ये कवर्ड है, लेकिन आपको बताएं इसको थोड़ा सा फ्लैट किया गया है और इस पर लाइन्स ऐड कर दी गई हैं। वो मेरे आप टॉप वेरिएंट वाले वीडियो में जाओगे तो आपको बोनट की डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर DRL जो है ये बेस वेरिएंट से देना शुरू कर दिया है, ये एक हुंडई ने अच्छा किया, ये आपको DRL मिलता है लेकिन पूरा कनेक्टिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में ये सिल्वर लाइन मिलेगी, और जो टॉप वेरिएंट्स क्या कहें S वेरिएंट से ये आपको कनेक्टिंग मिलने लगी है। S वेरिएंट से यहाँ पे आपको लाइट पूरी मिलने लगी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश मिलेगा, टॉप वेरिएंट में थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्लैश दिया गया है वो आपको थोड़ा सा क्रोम वाला ग्रे क्रोम में ही दिया गया है। और इसके अलावा जो लोगो है वो लोगो लगभग सेम ही है, जैसा आपको टॉप वेरिएंट मिलता है वैसा बेस वेरिएंट मिलता है। कैमरा की यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो ग्रिल है वो काफ़ी वाइड कर दी गई है, काफ़ी बड़ी कर दी गई है, और जो गैप्स है ना ये अच्छे खासे कर दिए हैं। तो एयर वेंट्स और जो एक तरह से रोड प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी इस कार की दिखने वाली है। चाहे वो अगर हम DRLs की बात करें उसको भी ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है, ग्रिल भी चौड़ी के साथ वाइड भी की गई है ताकि वो प्रेजेंस अच्छी दिखे। स्किड प्लेट भी जो है वो ऊपर तक यूज़ की गई है जो बॉक्सी फील आपको दे। वहीं अगर यहाँ साइड में देखेंगे तो हेडलैम्प्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाएंगे, साथ ही जो हाई बीम लो बीम जो यहाँ पे है नॉर्मल आपको हाइलोजन बल्ब मिलेगा और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। ये आपको येलो कलर में ही होंगे, वाइट टोन में नहीं होंगे। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। टॉप वेरियंट्स में भी फॉग लैम्प्स का सिस्टम हटा दिया है भैया हुंडई ने, ये आपको एक एयर वेंट्स की तरह काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रिल का भी फिनिश आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। स्किड प्लेट भी जो है ये आपको टॉप और बेस वेरिएंट लगभग सेम ही है, वहाँ कोई खास चेंज नहीं किए गए हैं। तो ओवरऑल जो लोग बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं और उनकी क्वेरी रहती है यार भाई कहीं लुक में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कार को रॉ भी रखना चाहोगे, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं भी करना चाहोगे, तो रोड प्रेजेंस पे आपको बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट लगभग सेम ही लगेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश और प्रीमियमनेस उसमें कंपनी ने ऐड कर दिया, बट ऑब्वियस भैया पैसा लेगी तो कहीं ना कहीं तो चेंज दिखेगा, लेकिन ये भी आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस, आपको नए क्रेटा फेसलिफ्ट क्रेटा 2024 क्रेटा का लुक इसमें पूरा देखने को मिलेगा। रेडार भी यहाँ टॉप वेरिएंट में ऐड कर दिया गया, यहाँ पे एडास का रेडार का ऑप्शन नहीं है। वहीं साइड लुक की अगर हम बात करें क्योंकि ये ब्लैक कलर है, और एक चीज़ और है भाई टायर टू सिटीज़ में ना ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है, क्यों? क्योंकि ये डीजल है। पहले मैं इसका हुड खोल के आपको दिखाता हूँ, ये बेस वेरिएंट के साथ आपको डीजल में मिलेगा, 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि भैया अच्छा खासा माइलेज भी देता है, क्योंकि मैनुअल गियर बॉक्स में ये आराम से 18-20 का माइलेज दे देता है। ये आप देखो CRDI आपको
ये डीजल इंजन मिल रहा है और जो अंदर हुड के पोजीशनिंग है वो प्रॉपर है। यहाँ पे आपको फाइबर पूरा दिया गया है, ये कवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखोगे आप काफ़ी नीट एंड क्लीन क्लीन फिनिश आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको इंसुलेशन के लिए ये लगाया गया है और ये बंद करते हैं। तो वेट भी मुझे लगता है यहाँ हुंडई ने क्रेटा का थोड़ा सा बढ़ाया है, जो स्टील की जो क्वालिटी है वो बढ़ी है और हुड में भी वो वेट हल्का फील हो रहा है। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो पहले आप देखोगे ना तो आपको साइड प्रोफाइल के बेस वेरिएंट में कोई चेंज नहीं लगेगा। टॉप वेरिएंट में तो आपको थोड़ा बहुत चेंज लगेगा क्योंकि अलॉय व्हील नई डिज़ाइन की आ गई है, लेकिन बेस वेरिएंट में आप बोलोगे भाई ये तो वही पुरानी वाली है, तो वैसा ही आपको लुक मिलने वाला है क्योंकि ये फेस लिफ्ट है, जनरेशन चेंज नहीं है। लेकिन फेस लिफ्ट के नाम पर भी ना हुंडई ने बहुत अच्छा अपग्रेड किया है इसमें। यहाँ पर आपको 16 इंच के जो है टायर प्रोफाइल मिल जाती है, स्टील रिम्स मिल जाते हैं, व्हील कवर मिल जाते हैं जो कि 205/65R16 मिलता है। साइड में भी आपको यहाँ इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ई और ई एक्स वेरियंट में। एस वेरियंट से आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे मिलने लगते हैं। ये ऑटो फोल्ड नहीं है, नॉर्मल वाला है। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलेगी, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, एक बेसिक जो होता है कार में वो सारी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टॉप वेरियंट में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे फिनिश में आपको एक ऐड हो जाता है, एक कह लें कि प्लास्टिक का पार्ट, वो आफ्टर मार्केट भी होगा, कंपनी की एसेसरीज़ में भी होगा, वो आप लगवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, रूफ रेल्स नहीं मिलती, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती और बैक से अगर आप देखेंगे तो बैक से आपको अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। जो बॉक्सी लुक, जो एक SUV लुक जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगा। स्पॉइलर आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, स्टॉप लैंप मिल रहा है, डिफॉगर और वाइपर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ई वेरिएंट में। यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लाइट लेकिन ऑफर की जा रही है। इसके अलावा जो इसका लोगो है वो अंदर की तरफ प्लेस है, बाहर नहीं निकला हुआ है। जो ग्लास टाइप का एरिया है जिसके अंदर लाइट है उसी के अंदर लोगो भी है, ये कवर्ड है। यहाँ पे आपको कोई बैजिंग नहीं मिल रही है कि भैया ये कौन सा वेरिएंट अच्छा है ना भाई, जो ई लेते हैं इज्जत बची रहेगी और ज़्यादा आए तो मॉडिफाई करवा के बढ़िया SX लगा लेना, टॉप वेरिएंट बन जाएगा। बाकी स्किड प्लेट लगभग वैसी ही सेम है जैसा फ्रंट में और बैक में, बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में वो सारा फील आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे वही डार्क ग्रे में कह लें या डार्क सिल्वर में कह लें, डल फिनिश में आपको लगेगा। बैक लाइट यहाँ पे दे दी गई है सेंटर में एकदम, और काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है। जब बैक गियर अभी लगा था तो अच्छा उजाला यहाँ पे था। यहाँ आपको नंबर प्लेट लग जाएगा, क्रेटा की यहाँ आपको बैजिंग मिल रही है। तो बैक से ये कुछ चेंजेस हैं, आपको एक फ्रेश लुक देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट है तो आपको डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी मैं आपको इसको फटाफट दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट कवर करने हैं। इंटीरियर में भी अगर आप डोर से देखोगे ना आपको ऐसा अंतर नहीं लगेगा टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वही रखा गया है, ब्लैक हटा के ग्रे कंपनी ने यूज़ किया है। यहाँ डार्क ग्रे है, यहाँ लाइट ग्रे है, यहाँ ब्लैक का कुछ एलिमेंट रखा गया है। यहाँ पे आपको मैनुअल ORVMs को एडजस्ट करने का दिया गया है। टॉप वेरियंट्स में यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक लिवर्स जो हैं ये ब्लैक दिए गए हैं। टॉप वेरियंट में थोड़ा सा डल सिल्वर फिनिश में दिया गया, क्रोम हटा दिया गया। स्पीकर्स का यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कोई म्यूज़िक सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बॉटल होल्डर है, अच्छा डिसेंट साइज, 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ रख सकते हो, थोड़े स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में जो आपको फ्रेश वाला फील है ना वो आपको बेस वेरिएंट मिलेगा। ये ई वेरिएंट है लेकिन आपको इसमें टिल्ट बेस वेरिएंट मिलता है, टेलीस्कोपिक भी बेस वेरिएंट में मिल रहा है और जो इसका MID है वो आपको डिजिटल, आप देखोगे पूरा इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें दिया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा बेस वेरिएंट में ही आपको मैनुअली सही लेकिन हाइट एडजस्ट भी ऑफर किया जा रहा है। भले ही भाई आपको म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, खाली जगह दे दी गई है, आप ये देखिए आप इसको दो पार्ट में कर दिया गया है। टॉप वेरियंट्स में क्या किया है कि भाई यहाँ पे पूरा कनेक्टिंग एक ही रखा गया है जिसमें आपको 10.25 इंच की दो स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल एक पोर्शन ये अलग कर दिया गया, ये अलग कर दिया गया कि आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन स्पेस पूरे दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको सेंटर में स्पीकर लगाना हो उसका भी स्पेस दिया गया है। मतलब जो सिस्टम है वो कंपनी ने पूरा बना के दिया है कि भाई आप अलग से लगा सकते हो। इसके अलावा एयर वेंट्स यहाँ पे AC के साइड में इस तरह से दिए गए हैं, ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है। हेडलाइट लेवलर दिया गया है, यहाँ आपको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है तो ये आपको पैडल मिल गया। यहाँ पे आप हुड खोलने की आपको स्पॉट मिलता है। स्टेयरिंग आप देखेंगे तो कोई लेदर स्टिच नहीं है लेकिन ये भी ग्रे, आपको जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ब्लैक से हटा के ग्रे बहुत कुछ कर दिया गया है, तो लाइट भी आपको ग्रे, ब्लैक और
सिल्वर एक डल क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एसी है, इसमें आपको मैनुअल एसी मिलेगा, ये आपको फ़ैन का हो गया एसी, ये बाहर सर्कुलेशन वाली हवा, ये आप फेस पे, लेग पे और जैसा भी आप सेट करना चाहें, ये टेम्परेचर का है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी टाइप मिल रहा है, 12 वोल्ट सॉकेट मिल रहा है और यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे यूएसबी दिया गया है, यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। मैनुअल आपको 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि बेस वेरिएंट में भी आपको ये जो स्पेस दिया गया है, रबर वाली चीज़ दी गई है कि आप यहाँ मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं और बिल्कुल एंटी स्लिपरी है। थोड़े थोड़े डॉट्स भी हैं जिससे वो स्लिप नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये भी आपको थोड़ा सा डल ग्रे फिनिश में है। टॉप वेरिएंट्स में पियानो ब्लैक फिनिश में है और सिल्वर के साथ है। एसी वेंट्स वहाँ हैं। एयरबैग्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट से ही क्रेटा में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं और जो फैब्रिक है इसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे आप बॉटल्स अपनी बड़ी एक एक लीटर की रख सकते हैं। ये हैंड ब्रेक, ये देखो सब में सिल्वर दिखता है ना, यहाँ इसको भी डार्क किया गया है ब्लैक शेड में, वो भी पियानो ब्लैक नहीं, डल ब्लैक में। वैसा ही ये ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन ये सब आप एलिमेंट आप देखोगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि बेस वेरिएंट है तो सिल्वर भी नहीं दिया, कुछ भी ऐसा ही रॉ प्लास्टिक दे दिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा बेस वेरिएंट में और विथ स्टोरेज स्पेस, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। की भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब बैक में चलते हैं और बैक से आपको दिखाते हैं। तो बैक से अगर आपको दिखाएं तो साइड फिनिश आपको वैसा ही मिलेगा फ्रंट में जैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको जो फिनिश है टॉप वेरिएंट्स में लेदर हो गया है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बेस वेरिएंट में भले ही फैब्रिक रखा गया है इस तरह का मिलता है। सॉफ्ट कुशन नहीं मिलता जैसे टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको लेकिन आर्मरेस्ट मिल रहा है। थर्ड पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको सेंटर में लाइट दी गई है भाई, फ्रंट में लाइट नहीं दी गई है। यहाँ पे वो पूरा एरिया खाली है, ना ही सनग्लास होल्डर दे दिया गया, ना ही आपको लाइट दी गई, एक सेंटर में लाइट दी गई है। भैया इसी से काम चला लो चारों पैसेंजर्स। और इसके अलावा अगर आप एक लेग रूम की बात करोगे तो ठीक ठाक डिसेंट लेग रूम है। हेड रूम की बात करोगे तो अच्छा खासा हेड रूम है और तीन पैसेंजर्स भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट आपको बीच में दिया ही गया है अगर चार पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। रेयर में आपको बेस वेरिएंट में भी एसी वेंट्स मिलेंगे बढ़िया सिल्वर फिनिश के साथ। दो यूएसबी पोर्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की जगह मिल रही है। ये देखिए एक अच्छी चीज़ है कि सी टाइप दोनों पोर्ट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप वेरिएंट में दो दिए, बेस वेरिएंट ने भैया एक कटौती कर दिया, नहीं, आपको दोनों ही ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। बीच का हम भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो चौथा पैसेंजर भी अगर बैठता है तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो उसको ऐसा नहीं होगा कि पैर उठाए रहना पड़ेगा। ठीक ठाक डिसेंट स्पेस है। अब चलते हैं बूट की तरफ और इसका बूट भी आपको दिखा देते हैं। तो भाई ये रहा इसका बूट। बैक से भी आप देखोगे ना तो जो ग्रे फिनिश वाली चीज़ बोल रहे हैं ना, पूरा इंटीरियर में आपको एक नयापन देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, जैसे पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 60-40 स्प्लिट वाली सीट आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टेपनी आपको 16 इंच वाली मिलेगी जैसा चारों में लगी है। टॉप वेरिएंट में ये 17 इंच हो जाती है स्टेपनी, लेकिन 16 ही इंच की मिलेगी आपको किसी भी वेरिएंट में चले जाओ। और यहाँ साइड में थोड़ी सी रखने की जगह मिल रही है। ये बीच में इसका टूल किट वगैरह रखा है और एक अच्छी चीज़ है कि इस ट्रे को थोड़ा सा लॉक है, ये देखो आप इस तरह से ये लॉक हो जाती है जिससे ये भड़बड़ाएगी नहीं। और ओवरऑल अगर ये देखो, ये इस तरह से जगह दिया हुआ है, आप ऐसे करके ऐसे बंद कर दोगे तो एक प्रेजेंस के तौर पे आपको अच्छी खासी चेंज देखने को मिलेगा हुंडई क्रेटा 2024 में, फ्रंट बैक और इंटीरियर से, भले ही ये बेस वेरिएंट है। तो भाई अगर आप बेस वेरिएंट हुंडई क्रेटा का ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी कंपनी ने चाहे लुक वाइज हो ऐसा नहीं फील होने दिया है कि आपको एकदम लगे कि भैया हम एकदम ही बेस वेरिएंट ले लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं है। आपको अच्छे खासे ज़रूरत वाले और कॉस्ट कटिंग बहुत छोटी छोटी जगहों पे जैसा मैंने बोला है ना नहीं की गई है, जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कंपनी ने रखी है। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो अगर आपको टॉप वेरिएंट में ट्रांसफॉर्म करना है अपनी कार को। तो ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो, या जिन लोगों को बेस वेरिएंट वाली चीज़ रहती है वो लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं और उनको ऐसा फील बिल्कुल नहीं होगा कि भाई ये सौदा मैंने गलत ले लिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हुंडई क्रेटा 2024 वाली और स्पेशली बेस वेरिएंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर होते हैं ना जो बेस वेरिएंट सबसे पहले ढूंढते हैं, तो भाई उनके लिए मैंने ये सबसे पहले वीडियो बनाया कि भाई टॉप वेरिएंट नहीं पहले बेस वेरिएंट दिखाएं कि भैया आप देखो
और खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। और साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको कौन सा वेरिएंट बेटर लगा। बाकी हमारे चैनल पे आपको सारे ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, चाहे ई हो, ई एक्स हो, एस हो, एस एक्स हो, एस एक्स ऑप्शनल हो। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो आप हमारे लगातार देखते रहोगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।